जब तक मैंने अपनी पढ़ाई खत्म नहीं कर ली थी तब तक प्यार की अहमियत मेरे जीवन में किसी फुटनोट से ज्यादा नहीं थी। ये तब कह रही हूँ जब थीसिस जमा हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मुझे प्रेमी नहीं मिले, प्रेमी मिले, बातें भी की, पीछे भी पड़े, पर उन्हें ये समझने में देर न लगी कि इस तरह की फालतू चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, एक बार अगर करियर बन जाए उसके बाद इस प्यार के लिए तो सारा जीवन पड़ा है। थीसिस जमा हो चुकी और अब मैं एकदम खाली, समय ही समय, काटे ना कटे। कोई कब तक देखे अपने घर की खिड़की से सड़क पर आते जाते आदमियों को, कोई कब तक पढ़े पुराने फिल्मी और क्लासिकल नॉवेल्स या फिर अनाप शनाप संगीत, कोई कब तक सुने पुराने फिल्मी और क्लासिकल गाने। अब अगर किसी सहेली से फोन पर बात भी करनी हो तो कब तक और कितनी। और सच पूछिए तो मैंने अपनी सहेलियों से बातें करनी बंद कर दी थी, दरअसल करनी नहीं, सुननी भी बंद कर दी थी। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि उनमें से ज्यादातर की शादियां हो चुकी थी, कोई आधे पौने घंटे से कम बात ही नहीं करती। उनकी बातें थी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी, किसी के हनीमून के किस्से तो किसी के आधी रात के, तो कोई इतवार की दोपहरिया के ही किस्से सुनाने लगती। पर कोई ये नहीं सोचती कि ये सब सुनकर मुझ पर क्या गुजरती होगी। खैर, सबकी अपनी अपनी खुशियां, अपने अपने उल्लास, अपने अपने रोमांच। पति तो सबके ऐसे थे जैसे इस धरती पर नाम। मुझे उनकी बातें सुनकर जलन और ईर्ष्या होती, मन उदास और खिन्न हो उठता। अरे, बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती जब अपने पति के बगल में लेटी हुई मुझसे फोन पर बात करती और बीच बीच में चिहुकती और खिल खिल करती। मैं अकेली, बेहद अकेली हो चुकी थी। जब भी बाथरूम में जाती और अपने कपड़े अलग करती तो अपने इस शरीर को बड़े बड़े गौर से देखती। हो सकता है गलत ही हो, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना शरीर गमले में पड़े गुलाब के उस पौधे की तरह लगता जिसे अगर तुरंत पानी ना मिले तो मुरझाने में देर ना लगेगी। इसे पानी चाहिए, कोई पानी दो, लेकिन कौन देगा पानी? वृद्ध पिताजी, स्वतंत्रता सेनानी, विचारों से सेक्युलर, देश की दुर्दशा से दुखी, जिसे लोग विकास कहते हैं वो विनाश। लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, खा पंचायत का फैसला। अरे तुम क्या जानो फैसला लेना क्या चीज होती है? तुम ठहरे मूड गवार अनपढ़ हैं, और अगर फैसला कर ही लिया था तो फिर पंचायत बैठाने की क्या जरूरत थी? लो एक और खबर, सास ने बहू को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। भला ऐसे कभी हो सकता है जब तक उसमें पति, जेठ, ससुर और देवर शामिल ना हो? दहेज के लालचियों को तो चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए, गोली। ये है खबर, देखो ये। शादी के मंडप में वधु ने वर को थप्पड़ मारा और शादी से इनकार कर दिया। अरे यही लोग हैं जो देश को बचाएंगे और आगे भी लेके जाएंगे, वरना मेरा देश महान कहते हुए भी शर्माती है। पापा की ये बातें कभी कभी अच्छी लगती, लेकिन अब इससे चिढ़ पैदा होती। सारी जिंदगी देश और दुनिया के बारे में ही बात करना, अरे कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचा है? तुमको पता भी है कि उसकी उम्र कितनी है, 29 या 30? और जिन सहेलियों के बारे में उससे बात करते फिरते हो ना, उनमें से ना जाने कितनी माँ बन गई है और ना जाने कितनी पेट से है। देश की बात करते हैं, ये भी जानते हैं कि ना ये दहेज दे सकते हैं और ना मैं वैसे शादी कर सकती हूँ। फिर ये खुलकर क्यों नहीं कहते कि बिटिया तुम्हारे जो दिल में आए तुम करो, अरे हम साथ हैं तुम्हारे।
बेटा महुआ। जी पापा। अरे क्या बात है बेटा, बड़ी कुम्हराई हुई सी लग रही हो। अरे तुम्हारी माँ तो कह रही थी तुम ठीक से खाती पीती भी नहीं हो। पापा पानी। पानी? अरे हाँ पानी खूब पियो, पानी पानी पीना तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन हाँ एक बात कहनी है तुमसे। देखो बेटा, सारे दिन कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, पढ़ना, पुराने गीत सुनना और छोटी सी खिड़की से आते जाते लोगों को देखना, ये सब तो ठीक है। कभी कभी बाहर भी हो जाया करो, और ना हुआ करे तो अपनी माँ को साथ ले लिया करो। अरे हाँ एक बात, इस घर की जो इतनी बड़ी छत है वो काहे के लिए? कपड़े सुखाने के लिए। छत, छत, यही छत मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। ये मेरे लिए सरग नसैनी थी। इधर शाम ढलती उधर मैं सीधा छत पर, और जब तक छत पर रहती थी महसूस करती थी कि ना आकाश है ना धरती है, ना बेहड़ है ना परती है, ना नदियां हैं ना पालो है, ना पर्वत है ना जंगल है, ना बादल है ना बारिश है, ना गांव है और ना शहर है, ना नर है और ना नारी है। सिर्फ मैं थी और वो फीका चांद था, और वो छुटपुट सितारे थे, और एक अभूत सी सिंफनी जो मेरे भीतर गूंजती रहती थी। देखते ही देखते ये छत मेरी सहेली बनती जा रही। कब धीरे से मेरा पल्ला खींच रही, कब प्यार से मेरे गाल और मेरे बाल सहला रही थी, कब मेरी बाहें फैलाकर उनके पंख बना रही थी, और फिर शून्य में उड़ना सिखा रही थी, और फिर उड़ाते हुए एक तारे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवे, यानी कि बारी बारी से सभी छठे तारों पर बिठलाती, अंत में चांद पर लिटा देगी। और सुस्ताने के लिए छोड़ देगी। मुझे तो पता भी नहीं चला। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी बाढ़ नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं रही। मैंने देह की मांगे बराबर अनसुनी की, उनकी जरूरतों को अनदेखा किया। बड़ी अजीब सी बात है ना, कि जो मुझ पर आसक्त होते थे उन्हें मैं बच्चा समझती थी, और जिन पर मैं आकृष्ट होती थी वो मुझे बच्ची समझते थे। अरे ये कौन सा मनोविज्ञान है? यही बेवकूफी इसने हर्षुल के साथ की। अपनी साइकिल लिए साथ या कभी आगे पीछे चलने वाला, क्या थी उसके आगे अपनी किस बात की ऐंठ, अपनी किस बात का गुमान? आखिर गलती क्या थी उसकी? तो हुआ ये कि उस दिन क्लासरूम में घटना हो गई थी। कायस्था सर जैसे ही आए और पढ़ाना शुरू किया, दो गुब्बारे पंखे की हवा से इधर उधर नाचने लगे, दोनों सफेद। दरअसल वो गुब्बारे नहीं थे, निरोध को फुलाकर टोरे से बांध कर किसी ने यूं ही छोड़ दिया था। अब कायस्था सर का भी उस पर ध्यान गया। उन गुब्बारों में लिखा हुआ था कि आज की आवाज यूज एंड थ्रो, लड़की और निरोध समान है। क्लास में हड़कंप मच गया। कायस्था सर ने वो दोनों ही गुब्बारे ऑफिस भिजवा दिए और खुद क्लासरूम छोड़ दिया। और ये वही दिन था जब हर्षुल मेरे साथ यूनिवर्सिटी के गेट तक आया। कुछ कहता नहीं था, बस मनी मन मुझे प्यार करता था। ये नाटक हिंदी साहित्य साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला है काशीनाथ जी, काशीनाथ सिंह जी, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार कथाकार हैं। उनके तीन नाटक हैं जिनको मैंने नाट्य रूपांतरित करके मंचित किया है। महुआ, अरे महुआ, चलो कहीं बैठे, चाय कॉफी पीते हैं। अच्छा ये बताओ
ये भावना नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? हर्षल, आज से ना कभी मेरे साथ चलना ना कभी बात करना, समझे? गुड बाय। मैं सोचती हूँ कि आखिर उसकी गलती क्या थी। सोचा अगले दिन जाकर सॉरी बोल दूंगी, बात खत्म। लेकिन तीन दिन तक वो विभाग नहीं आया, चौथे दिन आया। महुआ, महुआ। अरे यार, उस लड़के का पता चल गया। किस लड़के का? अरे यार, वही वो गुब्बारे वाले का। तुम्हारा दिमाग खराब है? इस क्लास में 30 लड़कियां हैं, अकेली मैं नहीं हूँ, और मुझे क्या लेना देना उस लड़के से? अंतिम बार वो इम्तिहान खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आया। हर्षल, महुआ निश्चिंत रहो, मैं रिसर्च छोड़ रहा हूं, पुणे जा रहा हूं, मैनेजमेंट कर। ये लो। बारिश, बिजली की चमक और तड़क, धरती की हरियाली, बागों में झूले और कजरी है तो समझिए सावन आया ही नहीं इस बरस। बादल आसमान में ऐसे आते थे जैसे मटर कश्ती करने निकले हो। एक तरफ से आए, थोड़ी देर कहीं ठहरे, फिर न जाने कहां चले गए, पता ही नहीं। पिछले दो दिनों से भयानक बदलाव आया था इनमें। वो काले, भारी और डरावने तो दिख ही रहे थे, बड़ी हड़बड़ी में थे। बीच बीच में भागते हुए ऐसी गर्जना करते मानो पृथ्वी को धमकी दे रहे हो। इन्हीं दिनों पीजी महिला महाविद्यालय के मैनेजर का बुलावा महुआ के लिए आया। मौसम बाहर निकलने का नहीं था, लेकिन महुआ गई और लौटी तो खुशियों का खजाना लेकर। महुआ, महुआ, जाने कहां से मन में आया कि अगर कुछ देर के लिए छत में पानी के निकास का रास्ता बंद कर दे तो ये पूरी छत बुलबुलों से भर जाए और मैं खूब छपा छैया करके नाचूं। यह हवा के झकोरों का असर था या फिर बौछारों का या मौसम का या मेरे दिल का कि मैं अपने बस में नहीं रही। लगा जैसे हवा के झोंकों से आई हुई बौछारें मानो बारिश के हाथ हो और जो मुझसे घूमरी खेलने के लिए जिद कर रहे हो। मैंने अपने कपड़े ऐसे उतार फेंके जैसे नोच रही हूँ। छत पर छप 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 चक्कर काटती हुई मैं निढाल पानी पर लेट गई। बूंदे बूंदे अंग अंग पर छर्रों की तरह चोट कर रही थी। खासतौर से जब पेट, छाती और जांघों पर पड़ती तो जी झंझना जाता। लेकिन रोमांच भी तो था। पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इस लड़के ने ना मुसीबत कर रखी, ये सब तुम्हारे लाल प्यार का नतीजा है। हाँ हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है।
अब बैठ जाओ, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। अरे क्या कर रहा है, कहाँ है, कुछ पता तो चले इस लड़के का। अब बैठ तो जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो इतना। अरे महुआ, ओ महुआ, ये लड़की भी ना बस काम काम काम। अरे क्या, कहाँ है बेटा? महुआ बेटा, महुआ देखो काम में इतनी व्यस्त है कि आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस लड़के को संभाल लो, समझा देना, वरना मैंने समझाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ना संभलेगा, निकल गया हाथ से। निकल गया हाथ से, निकाला तो तुमने ही है ना उसे। मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं, मेरी चलती कहाँ है तुम्हारे आगे। बिगाड़ के रख दिया है उसे, जब चाहो अपनी मनमानी करता। दो गई जाओगे, बूढ़े हो गए हो, बैठ जाओ। अरे ये नहीं, कहा है क्या कर रहा है, कम से कम फोन करके तो बता दे, ना फोन है ना कुछ है ना पता है। महुआ, अरे बेटा महुआ। जी मामा। आ जाओ बेटे, तेरे से बात करनी है। हाँ पापा, बताइए कुछ खास था क्या? अरे बेटा, अरे वो मैं फिर से ही कह रहा था, वो सुशांत का फोन आया था। सुशांत मेरा भाई, 4 साल छोटा, गुड़गांव की किसी कंपनी में जॉब करता था। पिछले 2 साल से घर वालों से कभी कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन हाँ बीच बीच में फोन जरूर करता था, ये जानने के लिए कि मामला अभी बना हुआ है या फिर टल गया। अरे शादी कर ली है उसने। पापा ये तो खुशी की बात है ना, लड़की भी एकदम प्यारी सी है, गुड़िया जैसी। तूने उसे कहाँ देखा? अरे मैंने ही नहीं, आपने भी देखा है, वो नहीं आया था पिछले साल उसे लेकर? कौन? अरे वो नहीं, कोई दूसरी लड़की है, क्या नाम बता रहा था, बलविंदर कौर ऐसे कुछ नाम बता रहा था। पापा जो भी है खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है ही, बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी रहे और मन लायक शादी करके आ जाए, खुशी की बात तो है ही। मेरी प्यारी सी मम्मी, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? अरे हर कोई अपनी सुविधा देखता है, दूसरे की नहीं, और आप दोनों को मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आ रहा है किसको आशीर्वाद लेने, देता हूँ उसे आशीर्वाद। तो 21 की सुबह आ पहुंचे बलविंदर और सुशांत। दीदी लो। दीदी सुशांत। दीदी पापा प्रणाम। ठीक है ठीक है, चलो इसे भी आशीर्वाद दीजिए। अरे मम्मी इतनी दुबली हो गई हो, आशीर्वाद तो दो, आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद इसे भी दे दो। अरे बस बस बस। दीदी लगता है दिल नहीं इन लोगों में, दिल होता तो कब का दिल का दौरा पड़ गया होता। ऐसे बोलते मम्मी पापा के बारे में? अरे मजाक कर रहा हूँ दीदी, दिल तो सिर्फ मेरी दीदी के पास है जो मुझसे इतना प्यार करती है। खुश रहे दीदी। ये बलविंदर है, इससे मिलो। बल्लू आ जाओ बलविंदर। आहा कितनी खूबसूरत है, ये तुझे ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? अरे वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए का से कढ़ाई पनीर बना दो। ओहो सुशांत थोड़ा सा पहले बता दे। क्यों? मैंने का से कढ़ाई पनीर नहीं, का से करेले बना दिए। वो तो आप पापा को ही खिला दो, मैं चला आराम कर ले। चल जा आराम कर। चलो तुम कहाँ जा रही हो दुल्हनिया? अरे बल्लू डार्लिंग आप ही जाओ, कितना टाइम लगाओगी? अरे सब्र कर, जाओ आराम कर, ज्यादा तंग मत करना इसे। महुआ इधर आ। क्या हुआ मम्मी? ये इसे कहाँ से मिली? दरअसल मम्मी ये उसी कॉल सेंटर में जॉब करती थी जिसमें सुशांत था। अरे ये तो शक्ल से भी बड़ी लग रही है, मैंने इसका चेहरा देखा, सिंदूर भी नहीं लगाया, शादी की है कि नहीं? मम्मी तुम क्या बोल रही हो? हाँ अरे कुछ होश की दवा करो, जाओ आराम करो। अरे मैं सही बोल रही हूँ। मम्मी पापा को टोकती रहती हो और खुद तुम्हारा बीपी और ये सब बढ़ जाएगा, चलो जाओ आराम करो। पागल हो गई लड़की। मेरी मुश्किल दूसरी थी, वो किसी से कहीं नहीं जा सकती थी, उन्हें मेरे बड़े होने का कोई लिहाज नहीं था, वो जानते थे
वो जानते थे कि बाथरूम में जो भी खटर पटर करेंगे मुझे सब सुनाई देगा, लेकिन कोई परवाह ही नहीं थी। अरे इतना भी नहीं कि आखिर मुझे भी नहाना धोना है, बस दोनों एक साथ बाथरूम के अंदर घुस जाया करते। अरे क्या कर रही हो, शावर बंद करो, हाथ छोड़ो, अब कोई देख लेगा। अरे शावर बंद कर दूंगा तो मजा कहां से आएगा? कोई देख लेगा, दीदी आ जाएंगी। क्यों परेशान हो रही हो, दीदी सो रही होंगी। दो तीन दिन यूं ही देखने सुनने के बाद तीसरे दिन से वो जैसे ही बाथरूम में घुसते मैं बाहर निकल आते ही अपने ही कमरे से। क्या कर रही हो, तुमसे जल्दी सोने के लिए शादी थोड़ी रखी थी मैंने। अरे आज सो जाओ ना, अगली बार देख लेंगे ना, समझा करो बात। जानू तुम समझती नहीं बात, प्लीज समझा करो। अरे तुम समझो, दीदी की शादी नहीं हुई है और उनका कमरा हमारे साथ ही है, आवाजें आएंगी। लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रात को तो मैं सो ही नहीं पाती थी। महुआ चरित औरत की जो डिजायर है उस पर है ये नाटक। एक औरत जो अपनी एजुकेशन और कैरियर के लिए दौड़ रही है इस भूमंडलीकरण और व्यवसायीकरण के दौर में, 30 साल होने तक उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। बिलोंगी मेरी इलाहाबाद से रही, हमेशा गंगा के किनारे ही रहा हूँ, तो हमेशा लिटरेचर के आसपास मैं हमेशा बचपन से ही रहा हूँ। फाइनली 2013 में मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली आऊँगा, थिएटर करूँगा। ये मेरा क्लास 9th में मैंने सोच लिया था। दिल्ली आया, काफ़ी मैंने काम किया, फ्रीलांस ही मैंने किया, किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट नहीं हुआ कभी। तो उसके बाद फिर एक साल पहले मैं प्रस्ताव थिएटर के साथ जुड़ा, दीक्षित सर के साथ काम किया, उस वक्त भी हमने महुआ चरित किया था। मैं पिछले 7-8 साल से थिएटर कर रही हूँ। थिएटर से बेसिकली मैं जब से कॉलेज मेरा ओवर हुआ है स्कूल ओवर हुआ है 2012 में, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। एंड महुआ चरित हमने 2013 में शुरू किया था, ऑफकोर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर राज नारायण दीक्षित। एंड मिस्टर दीक्षित जो हैं वो फीमेल ओरिएंटेड प्लेस करने में बहुत विश्वास रखते हैं, आइडियोलॉजिकली ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स फेमिनिज्म। तो महुआ चरित बेसिकली इज़ अ स्टोरी ऑफ अ 29-year-old वुमेन हु हैज़ यू नो डन अ लॉट फॉर हर फैमिली। So she takes care of her parents and she earns a lot of money. She is a lecturer in a reputed college. But one thing that she missed out during this journey was the love. वो गए। उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि ना आए होते तो अच्छा था। ले गए मुझसे मेरी नींद और चैन। छोड़ गए मेरे भीतर अकेलापन, खलबली, बेबसी और बेचैनी। ये बेचैनी समय पागल कर देती जब मैं अपनी कल्पना से एक सुगठित जिस्म तैयार करती और जैसे ही उस पर चेहरा रखना चाहती तो चेहरा सुशांत कहा जाता। सच डिप्रेशन में चली गई थी। बाजार से गुजरती तो सोचती कि कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी चाल पर कमेंट क्यों नहीं पास कर रहा है। अरे आंटी जी, आपका रुमाल गिर गया था। आंटी क्यों बोला, दीदी नहीं बोल सकता था, बदतमीज, हट। अबे आंटी है तो आंटी बोलूंगा, चल। मैंने समझा था के तू है तो दरक्षा है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के
सेवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुं हो जाए, थमा गर मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। कुछ सुन रही हो? कोई आहट, कोई आवाज? ये तो बगल की छत से आ रही है ना, ये कौन गा रहा है? साजिद, तुम्हारा पड़ोसी, नया कलब किरायेदार। अच्छा, ये करता क्या है? लेक्चरर है मनोविज्ञान का, घर में दो बच्चे हैं और बीवी हमीदा। और सुनो, खन्ना लोगों से तुम्हारे पापा नाराज हैं, कहते हैं पैसों के लालच में मकान मुसलमान को किराए पे दे दिया। लेकिन ये तो कहीं से मुसलमान दिखता ही नहीं, बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं और घर में ये बरमूडा पहनता है। लो, वो आ रहा है। हम नए आए हैं शहर में, काफी अच्छा शहर है आपका। मेरा नाम साजिद जी। और आपका? महुआ। साजिद से कभी कभार बातें हो जाया करती थी, आतंकी हमलों, विभागीय पॉलिटिक्स, इंटरनेट पर आई मेरी विषय की वैकेंसी की सूचना देने के माध्यम से, और कभी कभार तो फिल्मों पर भी। साजिद, हाँ, बातें बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया, लेकिन अच्छा तो क्या, बस गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। सुनना चाहेंगी? जी। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह नहीं है दिले दागदार में, उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दुआर जू में कट गए दो इंतजार में। साजिद, आपने संगीत कहाँ से सीखा? यहां से, दिल से। बेसिकली पोइटिक है, और ये एक है गद्य लेकिन एक काव्यात्मकता है, लय में बहता चला जाता पूरा नाटक, कि बैरियर्स नहीं है, वो फ्लो में, वो किस्सा गोई की तरीके से महुआ आती है, फिर वापस करेक्टर में जाती है, फिर सीन्स में आती है, तो वो एक वैक्यूम नहीं, कहीं ऑडियंस को सोचने का मौका नहीं है। साजिद, हाँ, क्या पढ़ रहे हैं आप? मंटो के अफसाने हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। चॉइस तो मेरी काफी अच्छी है। चलिए गपशप मारते हैं छत पर। आइए ना, बैठिए। वैसे कमाल के राइटर थे मंटो। अच्छा, आपने पढ़ा है मंटो को? जी हाँ, कितनी खूबसूरती से वो समाज व्यवस्था और रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं, उनकी कहानियों के अंत चौंका देते हैं। बिल्कुल। वैसे आप कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं?
चुगत? ये किस विषय पर? दरअसल ये लड़कों और लड़कियों के मुआशकों के विषय में है। मुआशकों मीन्स प्रेम कथाएं, लव स्टोरीज। क्या यथार्थ में लव स्टोरीज होती हैं? जी बिल्कुल। अब देखिए ना कितना खूबसूरत लिखा है। हाँ सुनिए, तुम आर्टिस्ट हो तो नोटबुक निकाल कर ये नोट कर लो कि आर्टिस्ट एक अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं। कमबख्तों की बेवकूफी में भी खुलूस होता है। दुनिया के सारे मसले हल कर देंगे, लेकिन जब किसी लड़की से मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि एक गज दूर खड़ी लड़की के पास पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर ये कहेंगे कि वो लड़की आंखों से उझल कैसे हो गई। लिखिए कि आप अव्वल दर्जे के चुगद हैं। वैसे इस कहानी का अंत क्या है? अंत खूबसूरत कल्पना है ये। जी किस्से के अंदर के किस्से में प्रकाश बताता है कि उसका दोस्त चंबा की पहाड़ी पर खड़ा है और उसके ठीक बगल से एक साफ पानी का नाला बह रहा है। सवा महीने तक एक लड़की उसके सामने से मुस्कुराते हुए गुजरती है और अपने हीरो साहब उस लड़की को देखकर मुस्कुराने की रिहर्सल करते हैं। फिर सवा महीने के बाद लड़की ही चुप्पी तोड़ती है और उससे सिगरेट मांगती है। फिर हमारे हीरो साहब डलहौजी से 15 पैकेट सिगरेट मंगवा कर अपनी महबूबा के हाथ में दे देते हैं। फिर उनके बीच में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की बातें, लेकिन वो उस लड़की पर अपनी शहवानी ख्वाहिशें कैसे जाहिर करता? शहवानी मीन्स काम वासना संबंधी। फिर क्या, उसे उम्मीद थी कि एक दिन लड़की ही अपने आप को उसके हवाले करे। फिर कुछ दिन और बीतते हैं, वो तरह तरह की स्कीमें बनाता है, लेकिन अंत में एक लॉरी वाले के साथ उसे हमबिस्तर होता देखता है तो एक लहजे में महसूस करता है कि मैं ही सबसे बड़ा चुगद हूं। कमाल है ना। महुआ जी, मैं 8-10 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूं। तुमने देखा है हैदराबाद? मैंने चार मीनार, गोलकुंडा और सलारजंग म्यूजियम का नाम तो सुना है लेकिन देखा नहीं। चल सकती हूँ? हमीदा बेगम, उम्र 30, ये तो हमीदा भाभी के नाम। आप ही हमीदा बेगम, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं थी। हम स्टेशन अलग अलग पहुंचेंगे, एक साथ नहीं, बाकी आप अपना देख समझ लीजिएगा। मैं तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करूंगा। मेरे अंदर दुखदुखी शुरू हो गई थी। डर, चिंता, रोमांच, जोखम, विद्रोह, इन सब की मिली जुली दुखदुखी। डर ये भी कि अगर अखबार में खबर आ गई कि एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को ले भागा तो फिर इस शहर को दंगों से कोई नहीं रोक पाएगा। कौन जाने मम्मी पापा ही थाने पहुंच जाए और मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे। मैं जानती भी नहीं ना ये आखिर आदमी है कैसा। और जरूरी तो नहीं कि जो अच्छा लगता हो या अच्छा दिखता हो वो अच्छा हो भी। अब तुम ही बताओ आखिर उसका बिगड़ना क्या है? दो बच्चों का बाप है, बीवी है, नौकरी है, तलाक की नौबत आ भी जाए, तलाक दे ना दे, कौन जाने दे भी दे तो मेरा क्या बनेगा?
लड़की ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इसमें फड़फड़ा सकती हो, उड़ नहीं सकती। और जिन दीवारों से तुम घिरी हुई हो उन्हें सिर्फ हथौड़े तोड़ सकते हैं, और ये तो सिर्फ एक सेन है। हैदराबाद। हेलो, हाँ हाँ हम ठीक हैं, तुम ठीक हो क्या? हाँ हाँ, डॉक्टर ने बोला है सुबह शाम खाली पेट गोली ले लो, गैस की दिक्कत बताई। हाँ, घुटने के दर्द तो ठीक है। अच्छा बिटिया, हम रखते हैं, अपना ख्याल रखना। क्या हो गया मम्मी? अरे ये बलविंदर जब भी गुड़गांव से फोन करती है, मम्मी तुम्हारी याद आ रही है। अब भला सास की भी किसी को याद आती है? झूठी कहेगी भाई। मम्मी क्या हुआ? मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब बोलेगी भी क्या हुआ? समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। अब नहीं थी वो गार्गी, वो ना दरअसल इन दिनों आगरे में ही है और वहीं पोस्टेड है उसका पति, तो कहती है कि 8-10 दिन के लिए आगरा आ जाओ तो तुम्हें वो क्या मथुरा, गोकुल, फतेहपुर सीकरी, वृंदावन सब घुमा दूंगी। अब फोन पर फोन तंग कर डाला है ना उसने। कौन गार्गी? लो उसे ही भूल गई। अरे घंटों बातें किया करती थी। घंटों बातें? वो तो विनीता थी ना, रीवा वाली। एक ठीली मुटल्ली सी लड़की नहीं थी? ओहो, ऐसे तो तुम्हारी भतेरी सहेलियां। क्या हो गया मम्मी तुम्हें? किधर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि ये पहली तारीख से मुझे डीएवी गर्ल्स कॉलेज में जॉइनिंग करना है। बताओ। नहीं, ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा सुन, 8-10 लोई बना बस, बाकी आटा जो बचे उसे फ्रिज में रख दे। ठीक। तो तू क्या चाहती है? अब मैं तो नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ना छुट्टी मिलेगी ना मौका लगेगा, और वैसे भी गार्गी टिकट भिजवा देगा। देगी? अच्छा तो ठीक है, चले जाओ। हाँ, लेकिन पर अपने पहले पापा से तो पूछ लो। पापा? क्या बात करती हो मम्मी, पापा ने आज तक किसी काम के लिए रोक टोक की है जो आप कर देंगे? खैर कहती हो तो मैं पूछ लूंगी, मेरा क्या। अजी सुनते हो? हाँ जी, बोलो। महुआ की सहेली उसे बुला रही है आगरा। आगरा? हाँ। हाँ तो जाने दो। अकेले? अकेले? अरे भाई, वो हम दोनों की तरह बूढ़ी नहीं है ना छोटी सी बच्ची है, अब जवान हो गई, इसे घूमने दो, दुनियादारी देखने दो। और फिर आगरा तो ये रहा, यहाँ हो गई और यूं आई। कहाँ? आजकल की लड़कियां तो अब फ्रांस और अमेरिका यूं ही घूमाती हैं। अच्छा। मैं भी गया था। ताजमहल देखकर लौट आया, बहुत कुछ है वहां देखने के लिए बेटा, तो वह सब कुछ देखना, सब कुछ। इट वॉज mesmerizing, that is the right word. I was really nervous because playing this role is not a piece of cake. When he appreciated, I thought, you know, on some levels I could justify his writing. ये साजिद मेरा प्यार नहीं, सम्मोहन था, सिर्फ सम्मोहन। उसके कला की मारी और मैं, हर लड़की को अपने सौंदर्य को लेकर संदेह होता है, वो बस इतना चाहती है कि कोई इतना भर कह दे कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मेरे लिए ये कोई साजिद था, ये संयोग था, ये शुभम, शशांक, शेखर कोई भी हो सकता था। हाँ, शर्त बस इतनी है कि किसी ना किसी कारण मुझे अच्छा लगना चाहिए था। घर की माली हालत और करियर की चिंता ने कभी एहसास ही नहीं होने दी कि मैं भी एक औरत हूं, मेरी भी देह है, उस देह की अपनी जरूरतें हैं, मांगे हैं, भूख है। और अब जब 29 की उम्र पार कर रही हूं तो ऐसा क्यों लग रहा है
खेया तो यौवन आया ही नहीं, या फिर आकर चला भी गया। मुझे भी किसी कोई की जरूरत महसूस होने लगी थी जो ये साबित कर दे कि मैं भी एक औरत हूं और किसी भी पुरुष को मर्द बनाने की क्षमता रखती हूं। और सच पूछो तो ये साजिद दो बच्चों का बाप मेरा कोई हुआ और इसे मेरे मन ने स्वीकार किया, क्योंकि इसमें एडवेंचर के साथ साथ थ्रिल भी था, और वो जीवन ही क्या जिसमें थ्रिल ना हो। हैदराबाद में 12 दिन के प्रवास के दौरान मैं अपना नाम महुआ सुनने को तरस गई थी। हमीदा हमीदा बेगम हमीदा भाभी, मैं भूल गई थी कि मैं महुआ हूं। सारा दिन हैदराबाद शहर घूमकर जब हम खा पी कर अपने बेडरूम पर लौटते तो ये साजिद कहता कि बहुत हुआ आराम, चलो ना अब झगड़ा करते हैं। महुआ, महुआ, तुम्हारे इस पेठे के चक्कर में तो मेरी सांसें फूल गई, मेरी ट्रेन भी छूट जाती। ये लो इलाहाबाद के स्टेशन पर आगरे का पेठा। और तुमने अपने मम्मी पापा को क्या कहानी सुनाई, इसे कहते हैं उम्र का अनुभव। साजिद, हाँ, आज तक तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ, आज से ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ, सब कुछ यहीं खत्म। महुआ, तुम्हें हुआ क्या है? साजिद, निकलो यहाँ से। अरे क्या हो गया अचानक से? Get out of my life, साजिद। वैसे पिछली रात हमने साथ ही गुजारी थी ट्रेन के एक ही बर्थ पर, तो हैदराबाद से वापसी हुई 12वें दिन। निकल जाते थे और वापस आते थे 10-11 बजे, कभी कभी तो 12-1 बज जाता था माँ। ना ठीक से खाना, ना पीना, ना सोना। और गार्गी, उसका तो और बुरा हाल था, साथ में वो छोटा सा 1.5 साल का बच्चा, और ये जिद्दी की पूछो मत, तंग करवा रहा था माँ उसने। क्यों, उसकी सास नहीं थी उसे संभालने के लिए? अरे थी क्यों नहीं, फिर हफ्ते भर पहले गाँव चली गई थी, दरअसल उसके ससुर को वायरल हो गया था। अच्छा बेटा, फिर तो तू ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। पापा, पहले आप ये लीजिए आगरे का पेठा। पेठा? अब पापा क्या बताऊं, वो बगल के बर्थ में ना एक मोटा सा थुलथुल आदमी था और ऐसे खर्राटे ले रहा था, मैं तो क्या सब परेशान। लेकिन बेटा, ये पेठा इतनी दूर से ढोके लाने की क्या जरूरत थी, ये तो यहाँ भी मिलता है। अरे पापा। अच्छा बेटा, अब तू थोड़ा सा नहा धो ले और विश्राम कर और थोड़ा सा खा ले, सो जा आराम से, तब तक ये मैं पेठा जो है तेरा पड़ोसी को बांट के आता हूँ। हाँ अपने दोस्तों को। जी जी। वाह। साजिद मेरे यौवन का ही नहीं जीवन का भी पहला पुरुष था, उसे भुला देना और ना पहचानना कितना मुश्किल है ये नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद से लड़ते रहने का निर्णय लिया। पहला महीना बीता, बीत गया, लेकिन जब दूसरा महीना बीता और पीरियड नहीं आया तो माथा ठनका। महुआ, ए बेटी महुआ, ले चल दूध पी। क्या मम्मी दूध ले आती हो, मुझे नहीं मन करता। अरे पी लो ना। नहीं पीना दूध। अजी सुनते हो, देखो ये दूध नहीं पी रही है। तो तू क्यों बता रही हो? अब नहीं पिएगी तो बताऊंगी। हटो। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी रात को क्या बात होगी बेटा? पापा कुछ नहीं। क्या बात है, तबीयत खराब है बेटा? मैं कहता ना था
कि बाहर का खाना पीना सबको रास नहीं आता। इसको चेक कराओ, कहीं इसको जॉन्डिस ना हो गया हो। बेटा अपना ध्यान रखा कर, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। पापा परेशान मत होइए। महुआ, ए बेटी महुआ, क्या हुआ है? जब से आगरा से आई हो ना ठीक से कुछ खाती हो ना पीती हो, कोई बात है क्या? मम्मी तुम क्यों इतना सोचती हो? तुम जाओ, तो जाकर मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स ले आओ। अरे जाओ ना। मम्मी, सॉरी मम्मी, दो शब्द दिमाग में घातक चोट कर रहे थे लगातार। कुमारी माँ और मुसलमान बाप, बीच में मन में आया क्यों ना शादी कर ले, लेकिन उसमें भी पेच ही पेच। कहीं मैं कहूं और वो साजिद इनकार कर दे? जब कही थी तब भुगतो, तुम ना चाहती तो जबरदस्ती थोड़ा ना साथ खींच कर ले जाता। इधर इधर मैं पागल हो रही थी और उधर वो छत में मटरगश्ती से गीत गुनगुना रहा था। मन में आया छत फांद कर जाऊं और उसका मुंह नोच लूं। एक ख्याल आता कि इस घुटते हुए समाज के सामने एक मिसाल पेश करूं, एक नए कबीर को जन्म दूं। न मजहब हो न जात, सिर्फ मनुष्य। लेकिन लेकिन अगर पैदा करूंगी तो जिएगा कैसे? मुझे कौन देगा नौकरी? झाड़ू पोछे के लिए भी तो कोई नहीं रखेगा। मुझसे उनके मर्दों की नियत को खतरा पैदा होगा। आने वाले कल की डरावनी तस्वीरें आंखों के सामने नाच रही थी। मैंने समय बर्बाद करने की बजाय तुरंत सफाई करने का निर्णय लिया। डॉक्टर को बताया कि हस्बैंड और वो दोनों जॉब में हैं, घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए बच्चा नहीं चाहती। महुआ लौटी तो थकी हारी, पेट खाली और हल्का हल्का दर्द, पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर निश्चिंतता और संतोष। महुआ, कोई लड़का आया था, हर्षुल नाम बता रहा था, कह रहा था कि पास वाले होटल में ही ठहरा है, काफी देर रुका है लेकिन फिर चला गया, बोला कल फिर आएगा। अकेला था या परिवार के साथ? परिवार कहाँ है उसका? क्यों, शादी नहीं की? कह तो यही रहा था। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मम्मी, मैं खाना खा कर आई हूँ और सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्लीज मम्मी। ठीक है।
चिमटी में फंसी मांस की वो गुलाबी गोली हट नहीं रही थी, जिसे फीटस कहते हुए डॉक्टर ने गर्भ के प्रमाण के तौर पर दिखाया था। जब भी उस पर नजर गड़ाती तो एक ही प्रश्न पूछती बार बार कि अगर तुम दोनों के चरम सुख का वरदान थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी। एक मन कहता नाचो गाओ खुशियां मनाओ, बच गया जीवन बच गया भविष्य, लेकिन दूसरा मन कहता डरपोक कायर। हेलो, महुआ, मैं हर्षल बोल रहा हूँ। अरे, तुम्हारा नंबर माँ ने दिया था, सो तो नहीं रही हो? नहीं हर्षल, बोलो। कल तुमसे मिलना चाहता हूँ, सुबह 8 बजे आ जाऊँ? कल नहीं, परसों चलेगा? परसों तो ऑफिस है यार। अच्छा सुनो, परसों क्या बरसों भी चलेगा, वो शर्त है तुम मिलो। पागल, तुम बिल्कुल नहीं बदले ना? नहीं, तुम कितनी बदली हो मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, देख लेना, अब रखती हूँ। साजिद ने पुरुषों को देखने का महुआ का नजरिया ही बदल दिया था। अब वो जब भी किसी को देखती और थोड़ा ठीक ठाक लगता तो वो कल्पना करती कि इसके सीने में बाल है या नहीं, इसकी टांगे लंबी हैं या जांघें पुष्ट हैं या नहीं, इसका पेट समतल रह जाएगा या 35-40 आते आते तोन निकल आएगी, और ये भी कि गंभीर रस का जटिल विद्वानी है या थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। साजिद, ये कौन है? हर्षल, तुम कैसे आ गए हमारे नगर में? भाई, नगर में स्वागत का बोर्ड तो देखा था, लेकिन कहीं कोई ऐसा बोर्ड नहीं देखा जहाँ लिखा हो कि आना मना है महुआ के नगर में। वैसे पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लग रहे हो इस ड्रेस में। अरे बाबा, मैं लग नहीं रहा, मैं हूँ नौकर, SBI में नौकरी कर रहा हूँ। तुम्हारी भीमताल में पोस्टिंग है मेरी। भीमताल यानी वो नैनीताल के पास उत्तरांचल में? अरे हाँ हाँ, वही। तुम भी तो जा रही हो ना किसी कॉलेज में ज्वाइन करने? हाँ, हाँ, हाँ। अरे वो देखो ना, मम्मी चाय ले। थैंक यू मम्मी। वैसे हर्षल, तुम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हो या फिर यूं ही घूमने फिरने? माँ जी, आप ही बैठिए थोड़ी देर। मैं? जी माँ जी, बैठिए ना। महुआ, आया तो मैं काम से, और वो काम जरा तुम्ही से। बात ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। लड़की लखनऊ की है और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। मैंने देखा है, ठीक ठाक है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। 4 साल पहले ही तुमसे मैं शादी का मन बना चुका था। मैंने घर में भी कह दिया था, बस महुआ अगर हाँ कह दे तो मैं एक मुसीबत से बच जाऊं। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ? महुआ के रिश्ता आया, जाओ जाओ, जिस लड़का रिश्ता आया बात करना चाहता है। अरे अरे वहां बेटा वहां, देखो कितना अच्छा लड़का है। मैं कहता ना था भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखो कितना अच्छा लड़का भेजा है। बैठो बैठो, मैं खीर लाती हूं। कुछ लेके आओ, बैठो बेटा। पापा मम्मी क्या कहते जा रहे थे मैं कुछ सुन नहीं रही थी। देख रही थी कि एक कल का दिन था और एक आज का दिन है। अबॉर्शन कराने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। क्या इस हर्षल का आना सिर्फ संयोग था?
इस बीच में कितना चाहती थी कि कोई मुझे प्यार करे, बाहों में ले, हंसे हंसाए, मेरा माथा सहलाए। साजिद को निकाल फेंकना चाहती थी अपने भ्रूण की तरह। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस काम में मेरी मदद करना चाहती है। खाना तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया और खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अरे मम्मा तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा। मम्मी क्या दूंगी अब? हाँ तो बनाती हो तो बनाती हो। हर्षुल चलो ना, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ अपना। हाँ जाओ जाओ। क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ बेटा। देखो उधर से ना, हर्षल तुम पहले से ज्यादा हट्टे कट्टे और हैंडसम हो गए हो। तुम्हारे प्रस्ताव को मैं अपना सम्मान समझती हूँ। मुआ खूबसूरत तो तुम भी पहले से बहुत ज्यादा हो गई हो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इनकार कर दूं शादी करने से तो उस लखनऊ वाली से शादी करोगे? मुआ कह नहीं सकता, दरअसल मेरे मम्मी पापा ज्यादा इंतजार के पक्ष में नहीं। लेकिन मन बनाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो अभी कहाँ कर रहे हैं शादी मुआ? शादी होगी तो जाड़े में होगी, और कितना समय चाहिए तुम? समय मैं मांग रही थी अपने महत्व का एहसास जताने के लिए, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महुआ को नौकरी करनी थी और अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ना था। जनवरी के अंत में इन दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हनीमून के लिए दोनों गए उत्तराखंड। दो दो रातें भीमताल, नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़ और फिर भीमताल। ये रातें एक दूसरे से छेड़छाड़ करने में, साथ खेलने में, नहाने धोने में, सेक्स की विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग में और रज जगे में बीती। इन दोनों के शरीर एक दूसरे के लिए रहस्य लोक थे और प्रयोगशाला भी। इस रहस्य को पाने के लिए देह को जितना खंगालते रहस्य उतना ही गहराता जाता। महुआ ने पूरी कोशिश करी कि वो हर्षल को ये साबित कर सके कि वो ही इसके जीवन का पहला पुरुष है और कामयाब भी हुई। इसी तरह हर्षल भी कामयाब हुआ महुआ को ये साबित करने में कि वो ही इसके जीवन की पहली स्त्री है। हर्षल एक ऐसा आदमी जो आमतौर आपको आपको सड़क पे आते आते कहीं पर भी दिख सकता है। मतलब ऐसा है कि जिसको अपनी पत्नी संभाल के रखनी, सहेज के रखनी, अगर उस पर किसी और की नजर जाती है, पत्नी की किसी दूसरे पर नजर जाती है, तो वो वहां पे इनसेक्योर महसूस करता है। प्रेम में तो हरे ऐसी पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया, कब सांस थामी कब सांस छोड़ी, हर ख्वाब मेरा जवां हो गया, ये क्या हो गया, हाँ प्रेम में तो हरे आँखों से छलके शाम अवध की, सुबह है होंठों पे बनारस वाली, बालों से बरसे छेलम का पानी, घाट से घाट में ऐसे फिरी के मुझसे ठिकाना मेरा खो गया, ये क्या हो गया, हाँ प्रेम में तो हरे। हर्षल चलो ना अब झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते हैं? हाँ हर्षल, तुमने सब कुछ कहाँ से सीखा? वहीं से जहाँ से तुमने सीखा। अरे पगली, ये सब चीजें कोई सीखने सिखाने के थोड़े ही होती हैं। हुआ महुआ, तुम्हें ये डर नहीं लगता कि अगर ये हवाएं तुम्हें मुझसे कहीं दूर उड़ा लेगी तो
तो मेरा क्या होगा? सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो, मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। तुमने जो ये साथ रहने और सोने की आदत डाल दी है उसका क्या? अरे बाबा, इसीलिए तो कहता हूँ साथ ही रहो और नौकरी छोड़ो। अरे जितना मैं कमाता हूँ उतने में दो क्या, 3 बजे में रह सकते हैं। वो तो है ही हर्षल, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और खड़ी रहना चाहती हूँ। मेरे पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं, एकेडमिक डिग्रीज हैं, उनका कुछ उपयोग तो हो, वो फालतू क्यों जाएं? और मम्मी पापा की चिंता नहीं कहोगी? वो तो है ही, भाई वैसे ही कोई मतलब नहीं रखता। अगर मैं भी चली जाऊंगी तो कहाँ जाएंगे बेचारे, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अरे तो पछता रही हो क्या महुआ? तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मुझसे कहीं दूर चली गई तो मैं बहक भी सकता हूँ? अच्छा, जब ऐसा होगा तो मुझे बता देना। क्या करोगी इतना दूर से? मैं भी बहक जाऊंगी। शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ हाँ, सही बोला तुमने। हेलो, क्या नीचे? महुआ, क्या मेरी ऑफिस की खलीग आई है तुमसे मिलने? वो नीचे वेट कर रही है वो अभी। जाओ जल्दी बुलाओ। हाँ वर्तिका, मिलो मेरी महुआ से। अरे वाह, क्या खूबसूरती है आपकी। यू चालाक बदमाश हर्षल, कहाँ छुपा के रखा था हमारी इतनी सुंदर भाभी को? महुआ, ये है वर्तिका बनर्जी, मेरी लखनऊ में बैचमेट थी और आज यहाँ भीमताल में साथ में ही काम करती हैं। अच्छा अच्छा, आप आइए ना प्लीज बैठिए। अच्छा भाभी, मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाई। वाह भाई वाह, शादी मैं कर रहा हूँ और तोहफा महुआ को दिया जा रहा है। हर्षल, पहने भले ही महुआ लेकिन काम तो तुम्हारे ही आना है। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप इसे खोल कर देखिए। अगर आपको पसंद ना आया तो मैं अभी चेंज करवा दूंगी। अरे जरूर अच्छा ही होगा, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? देखते हैं क्या हो सकता है इसमें भाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। थैंक यू सो मच। अरे मोहम्मद, जरा मैं भी देखूं। क्या वर्तिका, बस कमी रह गई तुम्हारे तोहफे में। अरे वो कहाँ है, वो ब्लाउज के नीचे? अरे कुछ पहने या नहीं? हर्षल, वो इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है। डर्टी माइंड हो अभी भी। ये इन दोनों के बीच इतने इंटीमेट संबंध है, ये कहीं वो लखनऊ वाली तो नहीं जिससे मेरे इनकार कर देने पर शादी करने की बात कह रहा था? आखिर इन्होंने शादी नहीं की तो क्यों नहीं की? इसने झूठ क्यों बोला कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है? मुझसे दूर रहने पर बहकने की बात भी तो कर रहा था। और महुआ से मेरी मुलाकात फिर कॉलेज में हुई। कॉलेज में मैंने उसे प्रपोज भी किया, उसके बाद उसने मना कर दिया। फाइनली 4 साल बाद जब मैं उसे दोबारा मिला एज ए SBI रिप्रेजेंटेटिव, तब जाकर उसने मुझे हाँ कर और फाइनली हमें शादी कर ली। वैसे पसंद करती है मुझे बहुत, ऐसी बात नहीं है। अरे अरे, ये सब की क्या जरूरत थी? आप बस बैठ के हमारे साथ बातें कीजिए। वैसे आप कब कर रही हैं शादी? मैं और शादी, मेरी उम्र तो हो जाने दीजिए पहले। अरे अब और कितनी उम्र चाहिए, मुझसे छोटी तो ना होंगी आप? 50। 50 से पहले शादी करने का कोई मतलब है? कोई भी नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा हाल तो बस इतना है कि जिसे सहारा चाहिए हो वो मेरे पास आए। अब सहारा देना ना देना वो तो मेरी मर्जी। बहुत पछताओगी, बताए देता हूँ तुम्हें। इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं, बंगाली होकर भी? अरे भाभी, मेरे बंगाली होने पर मत जाइए, मेरी सारी जिंदगी यही गुजरी है हिंदी बेल्ट में, लखनऊ दिल्ली अकानपुर। वर्तिका चलो चलते हैं। अरे मेरे हनीमून की आखिरी शाम है, इसे खराब मत करो। चलो। अच्छा भाभी, चलती हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। वैसे हर्षल, मून का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें याद है भवाली की हनी कितनी मशहूर?
हाँ भवाली कहनी रियात है, चलो चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया तुम्हें, चलो। डाले मैं जरा नीचे जा रहा हूँ चिकन और विस्की लाने, आज तुम्हें अपने हाथों से चिकन बनाकर खिलाऊंगा और वाइन भी पिलाऊंगा, आता हूँ। देखा था इस वर्तिका बनर्जी को, देखा था बैठ के पीछे की दीवार पर, VARTIKA वर्तिका, ये तो आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक से लिखा है, ये हर्षल की हैंडराइटिंग भी तो नहीं, इसका मतलब इस वर्तिका का मुझसे पहले इस बेडरूम में उठना बैठना सोना सब रहा है। दर्द हो रहा है। चलो चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे प्यार। लौटा जो दिया तूने, वो सारी रात बैठा खाता और पीता रहा, वो समझ रहा था कि मुझे दुख है, लेकिन लेकिन कल का अनिश्चित काल तक उसे ना मिलने का दुख, बस यही मेरे डिप्रेशन की वजह है। शाम रंगीन है सांस दिल छेड़िए, ऐसे मौसम में कोई गजल छेड़िए, शाम रंगीन है सांस। हर्षल दूर हटो। अरे क्या हुआ महुआ? कहा ना मेरा सिर दुख रहा है। आज दुल्हा दुआ पांव दबा देता हूँ मैं। 12-13 दिन से तुम्हारे साथ थी, ठीक से सो नहीं पाई, नींद आ रही है, सोने दो। अरे तो यार ऐसा क्या कर दूं मैं कि तुम्हें नींद आ जाए? कुछ नहीं। महुआ सोचती रही कि हर्षल को एहसास करा दे कि उसके ऐसे व्यवहार की वजह क्या थी, सिर्फ इतना कह देना काफी होता कि कम से कम उसको घर में लाने से पहले बेड के पीछे की लिखावट तो मिटा देते। काठगोदाम शाम 7 बजे, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी छूटने से पहले दोनों गले मिलकर खूब रोए। हाँ इतना जरूर है कि दोनों की वजहें अलग अलग थी। नाटक से जो मैसेज दे रहे हैं अपने समाज में वो यही है कि कभी भी किसी चीज को बांध के नहीं रखना चाहिए, एक्सप्रेस है तो उस पर काम करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप अपनी भी अगर आप मर्यादा से बाहर जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला भी मर्यादा से बाहर जा सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर आप मर्यादा में रहेंगे तो उसे भी लगेगा कि हाँ आप मर्यादा में, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी मर्यादा उसके लिए जब रिस्पेक्ट बनेगी तो अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट वो मर्यादित ही आएगी। अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो आप जानते फिर सोसाइटी इधर से उधर पूरी बिफर जाएगी। हेलो महुआ, महुआ कहाँ चली गई हो तुम यार? आ जाओ ना यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही महुआ। महुआ प्लीज आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। हाँ नहीं महुआ यार, मैं किसके पास जाऊं, किसको प्यार करूं, किसको छूं मैं, हर किसके बाल सहलाऊं मैं? महुआ बस आ जाओ तुम, देखो ये रही मेरी फैली खुली बाहें, महसूस करो, बस बस आ जाओ तुम। जगावे
जगावे सारी रहना, जगावे सारी रहना, निगुड़े दो नैना, निगुड़े नैना चुराई चैना, जगावे सारी रहना, जगावे सारी रहना। क्या बात है, रंग निखर आया है, चेहरे पे चमक आ गई, देह भी भरी भरी लग रही है। कैसी रही पहली रात? ब्लड वर्ड ना दिखने पर शंका तो नहीं? अनाड़ी थोड़े ना हुई यार, उसने मुझे उछलते कूदते के साइकिल चलाते नहीं देखा। और सच पूछो तो क्या दर्द के इजहार के लिए धब्बे का दिखाई पड़ना जरूरी है? तुम इतनी कलाकार हो ये मुझे नहीं पता था। सो तो मैं हूं। अब क्या खड़ी हो वहां? वो तो कब का गया पड़ोस छोड़कर, उसे कैंपस में क्वार्टर मिल गया है। सुना नहीं? अच्छा हुआ जब गया यहां से। एक और अच्छी खबर सुनी है मैंने। सुना है हर्षुल के माँ बाप इस शादी से नाराज हैं। उन्होंने अपने बेटे के यहाँ कभी ना आने की कसमें खाई है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अच्छा है, जान बची उनके नखरों से। ये पति पत्नी के ज्यादातर झगड़ों के कारण सास ससुरी होते हैं। कोशिश तुम्हें यही करनी चाहिए कि वो नाराजी रहे। देखो सलाह बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन मुझे रहना ही कितने दिन है हर्षुल के साथ, बस छुट्टियों में ही। तो वैसे नाराज नहीं हो तो एक बात पूछो, तुम्हारे संबंध साजिद के साथ भी रहे और हर्षुल के साथ भी, तुम इनमें क्या फर्क देखती हो? इस बारे में कभी सोचा नहीं था मैंने, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि साजिद के साथ मैं अपने आप को खुली और उन्मुक्त महसूस करती थी, यहाँ हर्षुल के साथ एक प्रकार का संकोच है, एक लिहाज है कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं या कर दूं जिससे वो बुरा मान जाए या फिर नाराज हो जाए। तुम जानती हो इस बार छुट्टियों में मैं पूरे 13-14 दिन के लिए हर्षुल के साथ रुकी। एक दिन उसकी एक फ्रेंड है वर्तिका बैनर्जी, वो आ गई तो हर्षुल ने वर्तिका से प्राग की बात छेड़ दी। तो इसमें बुरा क्या है, दोनों की उम्र है, साथ साथ रहे हैं, मजाक किया होगा? नहीं, हर्षुल के बेड की पीछे की दीवार पर आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक से वर्तिका का नाम लिखा हुआ था। तो इसमें ये कहां साबित होता है कि वो दोनों साथ साथ सोते रहे? ये कहां साबित होता है महुआ? इसका मतलब मैंने हर्षुल के साथ ज्यादती की? ओहो इतनी बेवकूफी, बिनाई वाली रात खराब कर दी उसकी भी और अपनी भी। दिल और दलदल ये दोनों एक समान होते हैं, दलदल में पांव धंस जाए तो बाहर आना मुश्किल और दिल में कोई बात फंस जाए तो निकलना मुश्किल। वर्तिका की बात को दिल से निकाल के वैसे चिंता जीने का सबसे बड़ा सबब है, जब तक चिंता है तब तक जिंदगी, चिंता खत्म जिंदगी खत्म। अब अपने घर में ही देख लो, पापा मम्मी की चिंताएं ही तो उन्हें जलाए जा रही हैं। एक मिनट
हेलो हर्षल। अच्छा डार्लिंग मेरी बात तो मेरी गर्मियों की छुट्टियां ना 15 मई से 14 जुलाई। क्या कहता है नौकरी को गोली मारो। डार्लिंग जरा छुट्टियों तक सब्र करो। आज के दौर के हिसाब से कहती है जिस तरीके का आज का दौर है आप देखते ही हैं लिविंग रिलेशनशिप और ये सब कुछ है, लेकिन बस वो जब हम आ जाते हैं कि प्यार कोई बैरियर नहीं देखता, ना एज का बैरियर देखता है, ना धर्म का देखता है, ना जात का देखता है। वो जो डिज़ायर है, रिक्वायरमेंट है, इक्वलिटी की बात घूम फिर के वही बात आ जाती है, इक्वलिटी है। पुरुष करता है तो जायज़ है, औरत करती है तो नाजायज़ है। हेलो। हाँ महुआ। हर्षल मैं तुम्हें आधे घंटे से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं पिक कर रहे थे? अरे यार बाथरूम में था। बाथरूम में था? मैं तुम्हें आधे घंटे से कॉल ट्राई कर रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आधे घंटे से बाथरूम में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें याद करके आंसू बह रहे थे यार, और क्या करूंगा। काट दिया उसने, लैंडलाइन से रिसीवर हटा दिया होगा और मोबाइल को साइलेंट मोड पर। उन क्षणों में वो ऐसा ही करता है। ये क्या है? ये बिरयानी है, ये फिश है। फिश क्राई? हाँ। वाह बिरयानी। थैंक यू। इसीलिए ऑफिस आते वक्त मैं बियर लेते आया आपके लिए। सब कुछ मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू सुजात, थैंक यू। वर्तिका यार तुम्हें पता है महुआ से मैं शादी करके ही पछता रहा हूँ। यार ये ऐसी औरत है ना कि जिसके लिए इसके पति से ज्यादा इसकी दो कौड़ी की नौकरी इंपॉर्टेंट है। हर एक वो है और एक तुम। तुम्हारी आंखें इतनी इतनी खूबसूरत है ना कि जी चाहता इसी में डूब जाओ। डूब जाओ ना हर्षल। डूबने से पहले जो कहते हैं ना कि नाटक शुरू होने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दें ताकि नाटक के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। क्या बात है महुआ, क्यों परेशान? मैं आधे घंटे से हर्षल को फोन ट्राई कर रही थी, वो फोन नहीं पिक कर रहा था। ऐसा वो सिर्फ उन्हीं क्षणों में करता है। ये एक रात नहीं है, ऐसी कई रातें आएंगी। अरे तुम यहाँ हो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। क्या करोगी? इसका मुंह नहीं देखूंगी, थूक दूंगी उस पर। होली में आएगा तो मैं देखूंगी। मैं हर्षल को नहीं जानती पर तुम्हें खूब जानती जानती हूं। जब वो आएगा तो तुम उसकी बाहों में बिछ जाओगी और कोशिश करोगी कि उसको इतना प्यार दो कि वो वर्तिका को भूल जाए। लेकिन याद रखो वो एक मर्द है, उसे विकल्प चाहिए। तुम भी रहो और विकल्प भी रहे तुम्हारे होते हुए। और मर्द ही क्यों, औरत भी तो यही चाहती। क्यों नहीं चाहती क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। तो होली के एक दिन पहले सुबह सुबह हर्षल आ गया, पापा खुश मम्मी खुश। शाम को हर्षल बाजार गया और बर्फी लेकर आया और दोनों पहुंच गए मीर घाट बोटिंग करने। हर्षल। हाँ। ये क्या गिरा दिया तुमने? भाई इसे कहते हैं भंग। ये क्या कमाल दिखाती है, इसका पता तुम्हें रेत पर ही चलेगा। हर्षल मैंने तुमसे कितनी बार कहा क्या कि आज होली का दहन है, आज बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हो। जल्दी है चला मीर घाट बोटिंग करने। और कहते हैं आधे घंटे से तो हम नाव चला रहे हैं लेकिन तक तो कहीं नजर ही नहीं आता। अरे यार वो नाव वाला क्या कह रहा था
कि वो चढ़ी गए ना, तो यही बधी पड़ी एक घंटे से, वहां क्या जा रहे हो? कहा ना तुम हर्षल जाने, चलो ना आप सोते, मैं थक गई हूँ। थक गई हो तो चलो चलते हैं, लेकिन यार मामा हिम्मत नहीं हो रही यार, यही सो जाते हैं। ये इन दोनों की पहली होली थी जो महाकाव्य उस दिन रेत पर अलिखित रह गया था। उसके कई सर्ग छत और पतंग पर लिखे जाते रहे। हर्षुल ने महुआ की गर्मी की छुट्टियों का पूरा कार्यक्रम चेकआउट कर उसे 15 मई की टिकट पकड़ा दी। नैनीताल बोट हाउस क्लब के बगल वाले टेरेस पर मई का अंतिम रविवार। Hello, darling. Darling. एक राउंड तो हो गया ड्रिंक का। Yes. Come on, let's dance. Dance. उर्दू पढ़ता हूँ, गर्मियों की छुट्टी में चले आते हो अपने वतन और मियाँ आप चलिए हो गया आपका बहुत, चलिए चलिए यहाँ से चलिए। अरे मियाँ बात सुनिए, गलती ना आपकी है ना हमारी, गलती तो इस कुदरत की है, कभी कभी दो चेहरे ऐसे गढ़ देती है कि गफलत ही हो जाती है। माफ कीजिएगा मियाँ, खामखा आपको परेशान करा, माफ कीजिएगा भाभी जी, सॉरी मैडम मेरी इस गफलत। चलिए चलता हूँ यार। चलो चलो ऐसे दो मिनट दो मिनट। अरे कमाल कंधे लो चले। तुम क्या फिजूल के लोगों के साथ ये सब झगड़ा करते हो? छोड़ो ना, तुम आराम से बैठो यहाँ। वो साला खुद नशे में धुत था और मुझे कोई और समझ बैठा। ब्लडी मोरॉन। हर्षुल, डार्लिंग एक बात बताओगे? ये
हैदराबाद कौन से राज्य में आता है? बताओ ना। कहीं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश डालिंग, वहां की मालाओं की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। वहां की मालाओं की क्या खासियत है बताओ ना। कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना आई थिंक जस्टिफाई नहीं करेगा इस कैरेक्टर को। शी इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी नेक्स्ट अ गर्ल नेक्स्ट डोर सॉर्ट ऑफ अ गर्ल। वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके अंदर हर एक इमोशन है और बहुत ही बैलेंस्ड है महुआ बेसिकली। ऑफकोर्स लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके तो, बट शी नोज हाउ टू हैंडल सिचुएशन एंड देन कैरी फॉरवर्ड एंड लुक फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव अप्रोच। वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, अपनी लाइफ को लुक फॉरवर्ड करती है। दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट महुआ एंड दैट एवरीबडी ईच एंड एवरी वन सिटिंग इन द ऑडियंस वुड लर्न फ्रॉम हर। जब मैं पूछते पाछते तुम्हारे घर वासुलीगंज पहुंचा तो तुम्हारे घर के ठीक बगल वाले घर पे नेम प्लेट पर ऊपर उर्दू में और नीचे हिंदी में साजिद कुरैशी लेक्चरर मनोविज्ञान विभाग। ये वही साजिद कुरैशी है ना जिसके बारे में तुम्हारा वो रुबाई वाला बता रहा था? तो क्या साले साले साजिद कुरैशी, साले जीना आराम कर दिया तूने। वाह भाभी जी, भाभी जी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही से पूछ रहा हूं भाभी जी। जा रही हूं फोन करने। अभी क्यों, सुबह जा सकती हो, अभी जाओ। चाहो तो सोचने विचारने के लिए दो दिन का वक्त दे सकती हूं। ना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ना, बहुत पहले तुम्हें चिट छोड़ाए थे, पछताओगे। सुने हो ये बस्ती उजाड़ कर, कुछ याद आया? लेकिन तब की बात और थी भाभी जी। मैं हर्षुल से प्यार करती थी इसलिए कि वो अधिक से अधिक दोस्त और कम से कम पति था। पति जैसा दंभ पालना या दबदबा बनाने की कभी कोशिश नहीं की थी। वो भी मानता था और मैं भी कि अपनी अपनी प्राइवेसी है, अपनी अपनी जिंदगी। लेकिन ये सारा का सारा विवेक धरा का धरा रह गया। देह ने बाजी मार ली इस नश्वर देह ने। अरे ऐसा क्या है इस देह में, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन मन का सारा रिश्ता नाता तहस नहस हो जाता है। रुको, कुछ जानना था तुमसे।
हर लड़के और लड़की के जिंदगी के पीछे एक बीता हुआ कल होता है जिसके बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। खैर ठीक है, तुम पूछो। तुम हैदराबाद गई थी? हाँ। साथ में साजिद भी था? हाँ। साथ ही ठहरे थे? हाँ। एक ही कमरे में? हाँ। कितने दिन? 10-12 दिन। ये माला उसी ने दिए? पसंद उसकी है, पैसा मेरा। साजिद कुरेशी साले, ब्रीफकेस में 2 मालाएं और भी हैं, चाहो तो उन्हें भी निकाल दो। ये जो पेट में ना, तो निकाल पेट। क्यों, क्या झूठा है? बस कह दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। पेट मेरा है, पैदा मुझे करना है। तुम्हें किस बात की तकलीफ? मुश्किल नहीं है सवाल उठाना, प्रश्नों से ही उच्छेदते जाना। मुश्किल है जवाब ढूंढना। सवाल उठाया जा सकता है कहीं भी, किसी पर भी, किसी भी भाषा और लहजे में, क्योंकि सवाल उग्र होता है, सफाई कमजोर। इसीलिए मैं पड़ी रही हजारों प्रश्नों की शैया पर, कभी ना किए गए अपराधों का माफी नामा लिए, तब भी अटक रही थी मेरी सांसें तुम्हारे साथ बिताए शामों के अंधेरों में, चटक रही थी मेरे स्वाभिमान की हड्डियां और मेरा ये मरियल सा अस्तित्व तुम्हारे दबाए जबड़ों के पीछे। मैं जानती हूं कि तुम्हें खेद होगा मेरे यहां से चले जाने का, किंतु मुझे भी दुख है यहां से यूं इस तरह चले जाने का। मैंने जो प्रेम का बीज बोया था उसके जल जाने का। हर्षल, मैं जानती हूं कि आज ही नहीं, पिछले 3 साल से तुम वर्तिका बैनर्जी के साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यह अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन पूछूंगी नहीं। इतना याद रखना। भैया, सर टैक्सी में सामान रखो। हर्षुल, कोई जल्दी नहीं,